सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक हैं। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो अपकमिंग पीएचडी का आपका पेपर होने वाला है, जो बेसिकली आपका निकला है शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में। तो उसका उसके फॉर्म यहाँ पे निकले हुए हैं और डेट आपके एग्जामिनेशन की यहाँ पे नवंबर में फिक्स हो गई है। तो ऑलमोस्ट आपके पास एक महीने का टाइम है और उसके अंदर आपको क्या सिलेबस यहाँ पे प्रिपेयर करना है उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी थी एंट्रेंस के रिगार्डिंग, और उसके बाद कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर होने वाला है वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आज की जो वीडियो है उसके अंदर कॉमर्स का, मैनेजमेंट और टूरिज्म का, तीनों का सिलेबस इसके अंदर दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिलेबस ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 का ये है, बट अभी भी यही सिलेबस यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें ईयर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, आपका जो कंटेंट आएगा वो इसी सिलेबस से रिलेटेड आएगा। तो सबसे पहली यूनिट है कॉमर्स के अंदर, सबसे पहली यूनिट इसके अंदर है बिजनेस इन्वायरमेंट की यूनिट है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा का पूरा। आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, लीगल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इन इंडिया, कॉम्पिटेटिव पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पॉलिसी इन्वायरमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज, ये आपको यहाँ पे दे रखा है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। बेसिकली इसको आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, पार्टनरशिप अकाउंट, आपकी एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन आपका जो होता है पार्टनरशिप के अंदर, एडवांस कंपनी अकाउंट्स आपको पढ़ने हैं जिसके अंदर इश्यू, आपका जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पार्ट होता है बेसिकली, जिसके अंदर इश्यू फॉर फ्यूचर और परचेज ऑफ बिजनेस, लिक्विडेशन, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, अमलगमेशन, ऑब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये कुछ आपके बेसिक अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग तीनों पार्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जो सेकेंड यूनिट आपकी इसमें बनती है। अब थर्ड यूनिट है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, इसके अंदर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो आपके हैं प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो अलग अलग डेफिनेशन आपकी दी गई है इकोनॉमिक्स के अंदर आपके वेलफेयर की है, वेल्थ की है, ठीक है। तो ये आपको देखने हैं, डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ कॉस्ट रेवेन्यू प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड ओलिगोपोली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। बेसिकली इसके अंदर जो आपका कंसोलिडेशन में मैं बताऊं तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, इसके अंदर आपको जो अलग अलग वे ऑफ डिफाइनिंग है आपका जो इकोनॉमिक्स, उसको आपको देखना है, जो अलग अलग ऑथर्स ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया, हर एक की थ्योरी आपको देखनी है, ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको देखना है, और उसके अलावा अलग अलग जो मार्केट सिचुएशंस हैं, जैसे आपके परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है आपकी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होता है, तो इसमें अलग अलग सिचुएशन में मार्केट की क्या सिचुएशन रहती है और प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे अलग अलग मार्केट में यहाँ पर किया जाता है, और जो इनकी करेक्टरिस्टिक होती है वो यहाँ पे क्या होती है, इन चीज़ों को आपको इसके अंदर देखना है। नीचे फिर आपका फोर्थ यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट है। इसके अंदर आप यहाँ पे डेटा टाइप आपको देखना है, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, सैम्पलिंग, नीड, एरर्स, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड काई स्क्वायर टेस्ट, डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन टू फंक्शनल एरियाज, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है उसके अंदर बेसिकली आपको जो रिसर्च की प्रोसेस होती है उसको एक बार देखना पड़ेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिसर्च की प्रोसेस के अंदर ही आती हैं और उसको अलग से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, मतलब कि आपके जो स्टेप्स हैं उनको ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और दूसरा जो टेस्ट हैं आपके, कुछ तो आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, कुछ आपके नॉन पैरामेट्रिक टाइप के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को आपको देखना पड़ेगा जो आपके, और उसके अलावा जो आपकी रिग्रेशन और कोरिलेशन है, ठीक है, इन चीज़ों को आपको देखना है इसके अंदर। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखनी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं जो टैली से रिलेटेड है, या हमारे जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या रिसर्च के जो टूल होते हैं कंप्यूटर में कैसे अप्लाई किए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पे आती हैं। उसके बाद आपका है बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है, इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा का पूरा, जिसमें
बेसिकली पोस्ट कोर मैंने आपको करवाया था, उसकी सारे स्टेप्स इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, प्लानिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टाफिंग है आपका, मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, कंट्रोलिंग है, कॉरपोरेट गवर्नेंस है, बिजनेस एथिक्स हैं। तो ये पूरा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन इसके अंदर है। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके अंदर मार्केटिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें देखनी है, जैसे मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर आपका इंपॉर्टेंट है, मार्केट सेगमेंटेशन आपका इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डिसीजन है इसके अंदर, और प्राइसिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग क्या क्या, कैसे कैसे प्राइसिंग होती है, जैसे पेनेट्रेशन प्राइसिंग होती है आपकी, ठीक है, स्कीमिंग होती है, ये कुछ अलग अलग जो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू यहाँ पे कोई भी नया इंटरमीडिएट जो आपका है वो मार्केट में एंटर करता है, तो वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी है और प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करना है। इसके अलावा आपका जो प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें एडवर्टीजमेंट आपका आपका आता है, पर्सनल सेलिंग आपका आता है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो पब्लिसिटी आता है, तो बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं प्रमोशन के, तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। और मार्केटिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग, ये तो बेसिक सा है, इसके अंदर आप ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपको देखने हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज, लीवरेज से रिलेटेड आपको, जैसे फाइनेंशियल लीवरेज होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, उसके फॉर्मूलेज को आपको देखना है। उसके अलावा आपका जो टोटल कंबाइंड लीवरेज होता है जो आपका, ठीक है ना, तो उसको भी आपको यहाँ पे देखना है, इसका न्यूमेरिकल भी इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें वही है, बस आपका आप एक बार उसको देख लेना, किसको, आप जो फॉर्मूलेज हैं उनको एक बार रीड आउट कर लेना, उससे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, या तो फॉर्मूला पूछेगा या तो उसका न्यूमेरिकल यहाँ पे आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना है और कैपिटल बजटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड पॉलिसी, ये डिविडेंड के अंदर आपके अलग अलग जो थ्योरीज हैं डिविडेंड की वो सब आपको देखना है, ठीक है, वॉल्टर की है, गॉर्डन की है, ये सब आपको देखने हैं। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन एचआरएम के पार्ट के अंदर इसमें सभी वही चीज़ें दी गई हैं, जैसे फंक्शंस ऑफ एचआरएम क्या होता है और उसी के फंक्शंस को आगे डिस्क्राइब किया गया है, जैसे रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट, कंपनसेशन के अंदर वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स क्या क्या होती हैं, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं तो वो आपकी है रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्ट, एचआरएम तो आपको देखना ही है जो बेसिक्स है उसका खंडा है पहले, तो उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, इसमें डिफरेंसेस आपको समझने हैं और इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं उसको देखना है, और आपके इसके बाद कंपनसेशन वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वेजेज की जो थ्योरीज हैं, अलग अलग जो थ्योरीज हैं आपके टेलर की हैं, ठीक है, और भी हैं इसके अंदर, तो बहुत सारी थ्योरीज आपको दी गई हैं जिसके अंदर अलग अलग रेट जो इनका अपने अकॉर्डिंग जो वेजेस देने का जो सिस्टम है वो आपको देखना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, जैसे आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, नॉन कमर्शियल बैंक्स हैं, इसके अलावा आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, NBFCs जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपको पढ़ना है, नाबार्ड है आपका जो आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, और रूरल बैंकिंग है आपका, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि बैंकिंग सेक्टर जो रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के अंदर बेसिकली हम देखने को मिला था, तो जो आपका इसको आपको देखना है। NPA आपका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, इसको आपको पढ़ना है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, जो कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स से बेसिकली आपका बेसल नॉर्म्स से रिलेटेड है, तो बेसल नॉर्म्स को आपको इसमें देखना पड़ेगा। और ई बैंकिंग आपको क्या होता है वो चीज़ें आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। डेवलपमेंट बैंकिंग बेसिकली डेवलपमेंट बैंक्स इसके अंदर आते हैं, जैसे IDBI है, IFCI है, SFC है, UTI है, SIDBI है, तो इनकी जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे क्या, बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो आपको इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर को याद रखना है, दूसरा आपको इसके हेडक्वार्टर को याद रखना है, और तीसरा इसके फंक्शंस को आपको याद रखना है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है, जो बैंक्स हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब है आपके इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बेसिकली थ्योरीज ही इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिजनेस आपका क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इन दोनों को आपको समझना है, और उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज क्या क्या हैं आपके, अलग अलग ट्रेड थ्योरीज हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक आपका बैंकिंग में भी आ जाएगा, इसके अंदर भी आप इसको इंक्लूडेड कर सकते हैं। IFC, IDA, ADB, वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको बेसिकली पढ़ना है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था पांच यहाँ पे जो बैंक होते हैं वो होते हैं, तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूरा होता है उसको आपको एक बार देखना है। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आपको देखना पड़ेगा, IMF को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है।
और इसके भी मैंने बताया कि जो आपके फंक्शंस हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ईयर को ध्यान में रखना है और आपका हेडक्वार्टर को ध्यान में रखना है। तीन चीज़ें आपको इसमें पूछी जा सकती हैं, उससे अलावा ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा एग्जिम बैंक है आपका, कुछ एग्जिम पॉलिसी इंडिया है, रेगुलेशंस प्रमोटिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड्स है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है एग्जिम से रिलेटेड आपके, उसको आपको एक बार देखना है, ठीक है। जो रेगुलेशंस टाइम टू टाइम यहाँ पे निकल के आते हैं, तो बैंकिंग से रिलेटेड वो चीज़ें आपकी, बैंकिंग में करंट अफेयर्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको देखना है। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट बैंकिंग के अंदर मैं ये बता दूँ, जैसे आपके उनको भी आपको देखना है, ई बैंकिंग के अंदर आएंगे बेसिकली वो जो मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं आपके, ठीक है, जिसके अंदर RTGS होता है, नेफ्ट होता है, MPS होता है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स को देखना है आपको और ये कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे कि 24x7 कर दिया सभी को अब, बट इसकी जो लिमिट है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, कितने की ट्रांजेक्शन, कौन से जो मोड ऑफ पेमेंट है उसके अंदर हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा IFSC को देख लेना, लास्ट टाइम IFSC कोड कितने नंबर का होता है यहाँ पे पूछा गया था, जिसके अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं वो आपसे पूछा गया था लास्ट PhD के एंट्रेंस में, और उसका पेपर भी मैंने डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको पेपर का लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट बनाई अलग से बनाई, तीन पार्ट हैं उसके, तो उस पेपर को भी जरूर करके जाना, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 यूनिट इसके हो गए कॉमर्स के। अब मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट के अंदर भी बेसिकली थोड़ा थोड़ा सेम सेम सिलेबस है, बट इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, अकाउंटिंग के अंदर आपका कॉमर्स के अंदर जहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बेसिकली जो आपका कॉमर्स में है वही इसमें भी है, बट इसमें थोड़ा सा अदर उसको एक तरह से डिफाइन कर दिया गया है, जैसे कि यूटिलिटी एनालिसिस इसके अंदर आ गया है, और बाकी चीज़ें वही हैं, लॉन्ग रन शॉर्ट रन के जो आपके कर्व होते हैं वो इसके अंदर आ गए हैं, और बाकी चीज़ें सेम ही हैं इसके अंदर। थोड़ा सा लास्ट में इसमें नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया गया है, और गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं, और ये आपके इंपॉर्टेंट हैं कॉमर्स के लिए भी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है OB, जिसके अंदर यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है, इसमें सोशियो कल्चरल फैक्टर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस जो करती हैं वो, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज क्या हैं, मॉडर्न थ्योरीज क्या हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप क्या होता है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स कैसे बनते हैं, पावर एंड अथॉरिटी आपकी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड स्टेटस, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो इसके अंदर एक जो क्रक्स मैं बताऊँ तो इसके अंदर आपको पढ़ना है बेसिकली जो आपका एक तरह से फंक्शंस हैं उनको तो आपको देखना ही है, जिसको पोस्ट कोर हम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उनको देखना है, जैसे लाइन है, लाइन इन स्टाफ है, फंक्शनल है, मैट्रिक्स है, ये चार ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने हैं, इसके अंदर डिफरेंस आपको समझना है, इसके अंदर डिफरेंस करने को आता है बेसिकली, कि आपको करेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, स्टाफ्स और जो आपका लाइन एंड स्टाफ है इसके अंदर क्या होता है, और डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन इसमें डिफरेंस आप समझ लेना। उसके बाद जो मोटिवेशन की थ्योरीज है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉमर्स के लिए हो चाहे मैनेजमेंट के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन की थ्योरीज, और लीडरशिप की थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अप्रोचेज जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप की, और कम्युनिकेशन और कन्फ्लिक्ट और कंट्रोलिंग, इसके अंदर कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन को मैंने पूरा चैप्टर करवाया भी है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद HRM का पार्ट आता है, HRM में कॉमर्स के ही जो पार्ट है वही यहाँ पे इंक्लूडेड है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पार्ट यहाँ पे आ जाता है, और ये सब चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुका हूँ। इसके अंदर थोड़ा लॉज आपके आ जाएंगे, जैसे मैनेजमेंट सोशल सिक्योरिटी लॉ है आपके, ठीक है, ये आ गया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आ गया, ग्रीवेंस मैनेजमेंट आ गया, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कुछ इस तरह से, कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया, तो ये कुछ नई चीज़ें एड ऑन हो गई हैं जो आपके मैनेजमेंट के उसमें हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपके सेम ही रहेगा, थोड़ा सा इसके अंदर जो मेथडोलॉजी है, मेथड्स हैं वो चेंज हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट या आपके स्कोप एंड नेचर तो आपको पढ़ना ही है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपको देखना ही है, कॉमर्स वालों को भी देखना है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग कवरेज आपके जो है बेसिकली लीवरेज का पार्ट है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम है, कैपिटल बजटिंग भी सेम है, डिविडेंड पॉलिसी भी सेम है, मनी एंड कैपिटल मार्केट बेसिकली ये आपके जो है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, और यहाँ पे आपके NSE NASDAQ जो है डेरिवेटिव्स जो आपके होते हैं, जैसे फ्यूचर्स आपके होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब डेरिवेटिव्स होते हैं आपके, इनको आपको पढ़ना है, वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, मर्चर एंड एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड्स, लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, मेजरमेंट, रिस्क एंड रिटर्न, सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन है। इसके अंदर कॉमर्स से मिलता जुलता ही पोर्शन है, बस इसके अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा एड ऑन कर दी गई हैं, जैसे NSE है, NASDAQ है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स आपके आ जाते हैं इसके अंदर, डेरिवेटिव्स से रिलेटेड चीज़ें, मर्जर एक्विजिशन कॉमर्स के अंदर भी है, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड थोड़ी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, बेसिक नॉलेज, कैसे म्यूचुअल फंड यहाँ पे काम करता है, कितनी इसके अंदर पार्टीज होती हैं, और लीज, आपको लीज, टाइप्स ऑफ लीज इसके अंदर पूछी जा सकती है, जैसे ऑपरेटिंग लीज होता है आपका, फाइनेंसिंग लीज होता है आपका, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। फैक्टरिंग क्या होता है उसको समझना है आपको, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस आपको देखना है। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो आपका कॉमर्स में भी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका वही चीज़ें इसमें भी इंक्लूडेड हैं, थोड़ा सा आपका ब्रॉडली डिफाइन है हर चीज़ में, जैसे कि बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थोड़ा ऐड ऑन हो जाएगा, और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग मेथड्स, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्रमोशन, सब कुछ सेम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, मार्केटिंग टास्क, कॉन्सेप्ट एंड टूल्स, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल एंड एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग इन इंडिया, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज, मॉडल एक्सपोर्ट, मार्केटिंग इंडिया एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, न्यू इशू इन मार्केटिंग। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा आपको इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें सेम है, बस थोड़ा नाम में डिफरेंस है, बाकी चीज़ें इक्विवेलेंट है, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, इसके अंदर भी आपका सेम सेम है, बस इसके अंदर थोड़ी सी आपको FDI है, MNCs है, GATT है, WTO, SARC, NAFTA, IMF, वर्ल्ड बैंक, एग्जिम पॉलिसी, ये सब पढ़ना है। और ये कॉमर्स के अंदर दूसरे पार्ट के जो बैंकिंग वाला पार्ट था और इंटरनेशनल बिजनेस है, दोनों को कंसोलिडेट करके बिजनेस इन्वायरमेंट में डाल दिया गया है इसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं इसके अंदर। LPG पॉलिसी भी दी गई है, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कॉमर्स के अंदर भी है। तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर इसमें बेसिकली जो आपके कॉमर्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वही चीज़ें इसके अंदर हैं, जिसमें आपको अलग अलग जो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस है, इसके अलावा आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है, और लास्ट में जो आपके है PERT CPM एनालिसिस है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल, पॉइजन नॉर्मल, और ये सब हो गया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, सैम्पलिंग थ्योरी, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, लार्ज एंड स्मॉल साइज सैंपल्स टेस्ट, जिसमें टी टेस्ट आता है, जेड टेस्ट आता है, एप टेस्ट आता है, एंड काई स्क्वायर टेस्ट आता है, और भी टेस्ट होते हैं इसके, अनोवा होता है। तो वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है, इसके अंदर आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, फियोल, बर्नर्ड टू मैनेजमेंट साइंस, तो इनकी थ्योरीज को देखना है इनकी जो, और प्लानिंग के अंदर क्या क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है प्लानिंग के, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग प्रोसेस, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। यूज ऑफ कंप्यूटर लास्ट में आपका है, जैसा आपका कॉमर्स के अंदर था, उसके अंदर थोड़ा सा जो मैनेजमेंट के अंदर है वो थोड़ा सा ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, जावा HTML दे दिया गया है थोड़ा, और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट इसके अंदर सेम है। जो आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के जो पार्ट है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च का पार्ट बेसिकली आ ही चुका पहले, जिसमें डेटा कलेक्शन आता है हमारा, डेटा कलेक्शन के टूल्स आते हैं आपके, डिफरेंट टाइप के टेस्ट आते हैं, हाइपोथेसिस मेकिंग आता है, हाइपोथेसिस के टेस्टिंग आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, ये कुछ चीज़ें आती हैं बाकी रिसर्च के अंदर। डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब चीज़ें टीचिंग एंड रिसर्च के अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो ये टोटल पार्ट था हमारा किसका, मैनेजमेंट का। इसके अंदर टूरिज्म का भी दिया गया है, टूरिज्म का आप देख सकते हैं, खुद ही देख लेना इसको, मैं ये टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा जो PDF है उसको, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि ऑलमोस्ट आपके पास एक महीने का टाइम बचा हुआ है, तो कैसे इसकी तैयारी करनी है, तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कैसे इसकी तैयारी आपको करनी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट की, और कॉमर्स से रिलेटेड ही आपका जो मैनेजमेंट का है वो सब्जेक्ट भी है, 10 यूनिट कॉमर्स के अंदर भी है और 10 यूनिट आपके मैनेजमेंट के अंदर भी। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट का पोर्शन जो है आपका, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको जो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है MCQ के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को करना है, क्योंकि एक महीने का टाइम है, एक महीने के अंदर आप अगर थ्योरेटिकली नोट्स बनाने को बैठ जाएंगे तो आपका एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके अंदर आपको आप जो क्रक्स है उसको पकड़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको देखनी है, और
ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे काफ़ी एमसीक्यू की वीडियो डाल चुका हूँ और ऑलमोस्ट इसमें से अभी कितने यूनिट मैंने करवाए हैं मैं आपको वो दे दूंगा। उसके बाद चैनल पे जाके आप एमसीक्यू भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सकते हैं और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले वाले में आपको इसके अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सब कुछ दिया गया है, आपको इसके अंदर बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई होती हैं तो वो सब चीज़ें हैं और नेट के सिलेबस में भी ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। तो बात करते हैं आप सेकेंड यूनिट की, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है, जो बेसिक अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग तीनों है, तीनों के हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी किया है और उसके साथ ही इसके एमसीक्यू को भी मैंने कंप्लीट करवाया, तो इसको आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपका सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा यहाँ तक पूरा करवाया मैंने, ये बेसिक अकाउंटिंग तो आपका है ही है, साथ में आपका एडवांस कंपनी अकाउंट्स भी हैं, इशू फॉर फ्यूचर और परचेज ऑफ बिजनेस ये सब कुछ है, लिक्विडेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स, अमलगमेशन, ऑब्जर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन और होल्डिंग कंपनी, ये सारे एमसीक्यू हमने इसके किए हुए हैं। कंपनी अकाउंट्स हमने किया हुआ है, रेशियो एनालिसिस डिटेल में किया है, इसके एमसीक्यू भी किए हैं और साथ में इसके तो जो आपका थ्योरेटिकल लेक्चर्स है वो भी आपको मिल जाएगा, फंड फ्लो एनालिसिस भी किया है, कैश फ्लो भी है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन, ये सब कुछ हमने यहाँ पे किया हुआ है। थोड़ा सा आपको इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, इसके अंदर आपके सेंटर्स पूछे जाते हैं जो अभी तक क्वेश्चन निकल के आए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से, तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा या तो इसके अंदर कौन सा इसके अंदर जो सेंटर है वो इंक्लूडेड है या इनमें से कौन सा सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर नहीं आता है, तो इसके जो सेंटर्स हैं अलग अलग आपको वो सेंटर्स को स्टडी करना है, ये आपके लिए सफिशेंट हो जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स का भी हमने काफ़ी जो पोर्शन है उसको कवर किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने अलग अलग मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे जो एमसीक्यू है वो करवाए हुए हैं और जो एमसीक्यू के अलावा रिवीजन हमने किया था यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और जो सिलेबस है वो भी आपका मिलता जुलता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें देख के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स को कंप्लीट हमने रिवीजन भी किया था और उसके अलग से एमसीक्यू भी हमने किए हुए हैं, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जैसे आपके थ्योरीज को बहुत ज़रूरी आपको देखना है इसके अंदर, जो आपकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे आपकी जो एडम स्मिथ की थ्योरीज हैं, ठीक है, सैमुएलसन की थ्योरीज हैं, इसके अलावा आपकी मार्शल की थ्योरी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जिन्होंने अपनी अपनी जो बुक्स हैं बुक्स दी हैं, सबने अपनी अपनी बुक्स लिखी हुई हैं और उनके ईयर को आपको याद रखना है कौन सी थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा डिमांड एनालिसिस को आपको देखना है, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हमेशा पूछा जाता है, चाहे आपके ये आपके ग्राफ वाइज पूछा जाए, ठीक है, कर्व भी इसका पूछा जा सकता है और इसके करेक्टरिस्टिक भी आपको पूछे जा सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसके इंडिफरेंस कर्व के अंदर आपको इसके करेक्टरिस्टिक को देखना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, इसके करेक्टरिस्टिक को आप एक बार देख लेना। यूटिलिटी एनालिसिस एंड लॉ कॉस्ट रेवेन्यू प्राइस डिटर्मिनेशन, इसके अंदर आप प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशन इसको जरूर देख लेना, जो आपके अलग अलग मार्केट सिचुएशंस होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, तो इसके अंदर अलग अलग मार्केट्स में कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन किया जाता है इसको ज़रूर आपको देखना है और इसके अलावा ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, ये जो मार्केट की सिचुएशन है ये, ठीक। उसके बाद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग है, इसको भी हमने अपने चैनल पर कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट के सारे प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। डेटा टाइप, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, सैम्पलिंग, नीड, एरर्स, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आप लास्ट टाइम पे पढ़ के जा सकते हैं, डेटा टाइप आपको पढ़ने हैं प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, दो टाइप के डेटा होते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन आपको टूल्स इसके अंदर बेसिकली पढ़ने हैं, आपको कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, चाहे क्वेश्चनर है आपका, ऑब्जर्वेशन है आपका, ठीक है, इंटरव्यू है आपका, शेड्यूल है, तो ये कुछ आपके मेथड्स होते हैं। इसके अलावा सैम्पलिंग कैसे की जाती है, सैंपल कैसे यहाँ पे लिया जाता है, जिसमें आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, इसके अलग अलग यहाँ पे मेथड होती हैं, कौन सी मेथड आपकी प्रोबेबिलिटी में आती है, कौन सी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी में आती हैं, तो इसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, इसको हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे।
अब एरर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो क्वेश्चन है हर कहीं यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पिछली बार UKSSC में भी आया हुआ था, उससे पहले PhD में भी आया हुआ था, तो हर जगह इसका पूछा जाता है जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसका अलग से लेक्चर्स भी मैंने दिया हुआ है, एक 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा इसके अंदर, तो उसको आप देखना। इसकी करेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी लिमिट पूछी जाती है, जैसे आपके -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना एरिया ये कवर करता है, ऐसे ही 2 के बीच में, ऐसे ही 3 के बीच में, और ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आपको हाइपोथेसिस को पढ़ लेना है, जैसे आपके दो टाइप के होते हैं बेसिकली, जो नॉर्मल सी है जिसके अंदर आपका नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ये पढ़ना है। और इसके अंदर जो एरर्स होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरर्स रिलेटेड है, अल्फा एरर और बीटा एरर, दो एरर इसके अंदर होते हैं जिसको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बोलते हैं, तो ये कब कमिट होता है इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाइपोथेसिस की ये बात हो गई। कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये आपका, इसको तो आपने एमकॉम में भी पढ़ा होगा काफ़ी टाइम, तो इसको आप देख लेना। काई स्क्वायर टेस्ट है और काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला देख लेना, इससे ज़्यादा इस पर कुछ आता नहीं है, और ये गुडनेस ऑफ फिट के लिए यूज किया जाता है, इसको आप एक बार देख लेना। बाकी इसका ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सब कुछ दिया रहेगा, कैलकुलेशन निकालने को आएगा। डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है, डेटा एंट्री कैसे करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये बेसिक से नॉलेज रख लेना कंप्यूटर का, जैसे आप नॉर्मली आपको होता ही है नॉलेज थोड़े बहुत कंप्यूटर का, तो टैली इसमें मोस्ट प्रेफरेबली आप इसको तैयार करके जाना, टैली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपकी पोस्ट कॉर्प की जो मैंने करवाया था वही इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई हैं, और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी क्या, मोटिवेशन की थ्योरी जरूर पढ़ के जाना, लीडरशिप की जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर पढ़ के जाना, दो चीज़ें इसके अंदर पढ़ के जरूर जानी है। और स्ट्रक्चर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों टाइप के जरूरी हैं इसके अंदर। आप डिस्क्रिप्टिव वे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो, जैसे मैंने बताया अभी, स्टाफ जो आपके लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा एक बार। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, मार्केटिंग मिक्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मार्केटिंग मिक्स से क्वेश्चन आएगा देखना, और उसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मार्केट सेगमेंटेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्राइसिंग डिसीजन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपका एडवर्टीजमेंट भी आ जाता है और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे आपके हम कहते हैं कि जैसे पब्लिसिटी हो गया, इसके अलावा पब्लिक जो डिस्काउंट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, तो ये मार्केटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4-5 ही इसमें टॉपिक दिए गए हैं और सभी टॉपिक बराबर वेटेज के हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, डिविडेंड पॉलिसी, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि सभी यूनिट बराबर वेटेज रख रहे हैं सभी टॉपिक। कैपिटल स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है हमेशा, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज का इसका कॉन्सेप्ट को, इसको आप छोटा कर सकते हैं बेसिकली, इसके अंदर फॉर्मूलेज को देख लेना, कैलकुलेशन इसके देख लेना, जैसे आपका ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन EBIT रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है उसके फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, EBIT कैसे निकलता है, EBT कैसे निकलता है, तो ये सब चीज़ें देख लेना, बाकी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इसके अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज आपको देखनी ही पड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको देखना ही पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको मैंने पूरा कवर किया हुआ है अपने चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा रिवीजन की वीडियो भी आपके चैनल पे मिल जाएगी आपको, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो अलग से मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन भी डाला हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग जो कॉस्ट होती है, जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर्स है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, इसको अलग अलग भी मैंने डिफाइन किया हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन में। कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके अलग अलग जो मेथड्स हैं वो आपकी आ जाएंगी, जैसे NPV है, पेबैक पीरियड मेथड है, और इसके अलावा आपकी IRR है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, तो इसके अंदर जो कैपिटल बजटिंग है ना, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ के जानी है वो ये पढ़ के जानी है कि डिस्काउंटेड मेथड होती है, ठीक है, डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड मेथड होती हैं कुछ, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन आपको समझना है, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ के जाना है। डिस्काउंटेड में आपके ये जो मेथड है इसके अंदर आपके क्या होता है, ये टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करता है, जैसे आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, इसके अलावा
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसके अलावा PIO आपका होता है। तीन मेथड आपकी होती हैं जिसके अंदर ये टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करते हैं। वहीं नॉन डिस्काउंटेड मेथड जो होती हैं उसके अंदर ये टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर नहीं करता है, जैसे आपका पे बैक पीरियड मेथड होता है। इसके अलावा ARR आपका होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये कुछ दो मेथड होती हैं जो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर नहीं करती हैं। ये पैसे के जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसकी रिकवरी को यहाँ पे कंसंट्रेशन उस पर करते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस पूछा जाएगा, बाकी जो मेथड है उसी से आएगा क्वेश्चन, उसके अलावा किसी चीज़ से क्वेश्चन नहीं आ सकता इसके अंदर। ठीक, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको अलग अलग थ्योरी हैं, जैसे आपकी जो आपकी थ्योरी हैं उसके अंदर आपकी वोल्टर की है, गॉर्डन की है, तो उनकी जो जो अप्रोचेज हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके अजम्पशंस हैं उसको आपको देखना है। उनके अजम्पशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से जो ऑथर है उसने यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा MM अप्रोच भी इसके अंदर आती है, और ये चीज़ देखनी है आपको इसके अंदर, डिविडेंड पॉलिसी। अब इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी देख लेना, अगर आप इस टॉपिक को अगर स्किप कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो इसके अंदर एक चीज़ को स्किप कभी मत करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। वो क्या, जो आपका वॉल्टर मॉडल के अंदर होता है, डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब क्या है इसका डिविडेंड को मतलब तीन टाइप की हमारी सिचुएशन आएगी, एक ग्रोथ फर्म होगी, एक डिक्लाइनिंग फर्म होगी और एक कांस्टेंट फर्म होगी, ठीक है। तो इनमें डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है ये आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। अगर आप इसको पूरा छोड़ भी रहे ना, पहले तो छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ भी देंगे तो इसको छोड़ के मत जाना, बाद में पछताओगे एग्जामिनेशन में। तो इसके अंदर क्या आएगा कि जो ग्रोथ फर्म है उसके अंदर कंपनी क्या करेगी, आपकी जो पूरा का पूरा पैसा है उसको अपने पास रिटेन कर लेती है, ठीक है। और दूसरा डिक्लाइनिंग के अंदर पूरा का पूरा क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड के तौर पे। और तीसरा कांस्टेंट के अंदर, मतलब कि आपका जब R इक्वल टू आपके रेट ऑफ रिटर्न, आपके जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है बेसिकली, उसके बराबर हो जाती है, तो उस केस में या तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या तो फिर रिटेन कर सकती है। तो ये अलग अलग फर्म की जो कंडीशंस होती हैं वो पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद HRM का पार्ट आता है, HRM में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है इसके अंदर, और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको देखना ही है, फंक्शंस आपको देखने हैं, ठीक, दो चीज़ें। उसके अलावा आपके रिक्रूटमेंट और सेलेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उतना इंपॉर्टेंट है बट उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये है, और कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजेज एंड सैलरी वाला पोर्शन। इसके अलावा इंसेंटिव्स और फ्रिंज बेनिफिट्स ये इंपॉर्टेंट हैं, और परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मेथड्स हैं वो पढ़ लेना, 360 डिग्री वाला भी देख लेना एक बार, ये आपका जो न्यू अप्रोच है वो यहाँ पे होती है। तो ये चीज़ें आपके HRM के अंदर मोस्ट जो वेटेज रखती हैं वो हैं। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा फंक्शंस ऑफ बैंक, जैसे आपके अलग अलग जो जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके सभी के आपको फंक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने कमर्शियल बैंक्स हैं सभी के फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बट जो आपके NBFC हैं और जो कमर्शियल बैंक हैं, इन दोनों के फंक्शंस के बीच में डिफरेंस होता है, तो इनको आपको एक बार डिस्क्रिमिनेशन इसमें करना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब बात करेंगे तो ये कमर्शियल बैंक से, NBFC से और RRB से, तीनों से यहाँ पे अलग होते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बैंकर्स ऑफ बैंक होता है। तो इस केस में इसके फंक्शंस को भी देखना है, और इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है, इसके अलावा डिप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, इसके अलावा इसमें कितने मेंबर्स यहाँ पे होते हैं टोटल। तो ये कुछ चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। NABARD हो गया, रूरल बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आपको देखने हैं, NPA बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसकी मैंने जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाली वीडियो है वो भी बनाई हुई है, और इसको मैंने कुछ क्वेश्चन इसके हमने MCQ में भी कवर किए हुए थे, तो NPA वाला देख सकते हैं आप, डिटेल में मिल जाएगा आपको वीडियो चैनल पे। कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स, इसका भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे बेसल नॉर्म्स इसको बोलते हैं, तो बेसल नॉर्म्स से रिलेटेड चीज़ें भी आपको देखनी है, जिसके अंदर आपके तीन नॉर्म्स यहाँ पे दिए गए, Basel 1, Basel 2 और Basel 3। इसके अंदर आपका CAR से रिलेटेड बातें होती हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, इसमें जैसे CAR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, CAR का फॉर्मूला देख लेना एक बार। इसके अंदर आपका होता है Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाई
आपका होता है रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, RWA। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, कभी कभी फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाएगा, CER का फॉर्मूला, जो आपके डिफाइन होता है किसके अंदर, आपके जो बेसल नॉर्म्स हैं उसके अंदर। तो टीयर वन कैपिटल आपकी जो कैपिटल होती है वो आपकी क्या होती है, जो इक्विटी की कैपिटल होती है। टीयर टू आपकी बोरोड कैपिटल होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। RWA का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, CER का भी पूछा जा सकता है, तो इसके फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान में रखना है। रिस्क वेटेड एसेट इसका RWA का होता है, CER का होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि जितना मिनिमम आपको कैपिटल एडिक्वेट करके रखना है बैंक को, किस रेशियो में यहाँ पर रखना है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और देख लेना कि कितना जो परसेंट है CER मेंटेन करना है बेसल वन में, बेसल टू में, बेसल थ्री में, और इंडिया कितना CER करंटली मेंटेन कर रहा है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ई बैंकिंग के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सभी को होती है, आप सभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ATM कैसे यूज होता है, इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग कैसे काम करती है, तो उसके अंदर जो आपकी नेफ्ट होती है, RTGS होती है, IMPS होती है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, चेक को आपको देखना है, तो उसके सारे फंक्शंस आप समझना, ठीक है। इसके अलावा IDBI, IFCI, SFC, UTI, CDB, इनका मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना, इसके हेडक्वार्टर को याद रखना, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस, इसके अंदर थ्योरीज आपको पढ़नी है इंटरनेशनल बिजनेस की, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपको पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पढ़नी है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र किस में आता है, बाइलेटरल ट्रांसफ़र किस में आता है, सर्विसेज किस में आती हैं, आपके गुड्स किस में आती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता ही है आपका, IFC, IDA, ADB, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें पढ़नी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को मत छोड़ना, इसको पढ़ के जाना। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊँ, वो आपका आता है बास्केट ऑफ करेंसी। अब ये क्या चीज़ है, बास्केट ऑफ करेंसी है आपकी, जब SDR बनता है ना आपका, जिसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं SDR, तो SDR के अंदर आपकी पांच करेंसी को इंक्लूड किया जाता है, उस पांच करेंसी के बेस पे आपका SDR यहाँ पे बनाया जाता है। SDR आपके क्या है, एक जो वर्चुअल आपके, एक तरह से हम कह सकते हैं कि करेंसी को मिला के एक जो एक्सचेंज रेट फिक्स करने के लिए यहाँ पे SDR को लाया गया था। तो SDR के अंदर पांच करेंसी कौन सी होती है वो आपको ध्यान में रखनी है, और उसके सिक्वेंस को ध्यान में रखना है कि कौन सी करेंसी का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा इसमें होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे किसका वेटेज रहता है, इस सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये थोड़ा देख लेना, रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड्स, ये आपका इंटरनेशनल जो बिजनेस का पार्ट है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप अधिक से अधिक जो अपनी MCQ की प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं, क्योंकि अब जो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है आपके पास, तो उसके लिए जो आपके नेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके नोट्स को आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, उसके नोट से पढ़ाई कीजिए, और अब रिवीजन का बेसिकली टाइम है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, कोई नया ऐसा टॉपिक है नहीं जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, सभी टॉपिक इसमें पढ़े हुए हैं आपके हैं, और ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है कि अभी आप नया पढ़ेंगे तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप रिवीजन इसमें कर सकते हैं, और जो नेट का सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे कॉमर्स का, तो ये सिलेबस तो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। बट इस सिलेबस से भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर, इससे भी आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। PhD एंट्रेंस में जस्ट आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर देखना जो मैंने करवाया हुआ है सॉल्व। उसके अलावा सारे MCQ की जितने वीडियोज़ हैं उनको एक बार कंप्लीट कर लो, और जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं उनको एक बार नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में, और उसकी जो लेक्चर्स वाली वीडियो हैं उनको ज़रूर आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो अगर कोई परेशानी इसमें आती है तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ था पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट का सिलेबस है, मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं उनको भी आइडिया आ गया होगा किस तरह का, कि कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, सेम ही सिलेबस है, तो मैं इसका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको आप अपने एंड पे देख सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, नहीं मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
टेक केयर, हैव अ नाइस।